दोस्तों, आज मैं पांच ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर गलती से आपको सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भारत में मुख्य तौर पर दो तरह के सांपों की काटने की घटनाएं होती, पहला कॉमन करैत और दूसरा कोबरा। कॉमन करैत के काटने की जगह ऐसी दिखती है कि जैसे किसी मच्छर ने काटा, लेकिन कॉमन करैत के काटने के बाद काटने वाली जगह पर सूजन आती है, जबड़े और घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि शरीर में जहर फैलने लगा है। वहीं अगर कोबरा सांप काट ले तो उसी जगह पर बहुत अधिक सूजन होती है, घाव की तरह दिखने लगता है, आंखों में परेशानी और पेट में अकड़न जैसी समस्या शुरू हो जाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए। नंबर वन, दोस्तों सांप अगर काट ले तो कोशिश करें कि जिस जगह पर काटा शरीर का वह हिस्सा बिल्कुल ना हिला। नंबर दो, जिस हिस्से को सांप ने काटा है उसे साबुन से धो ले और अच्छी तरह साफ कर ले, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। नंबर थ्री, दोस्तों शरीर में जहर को धीमा करने के लिए काटे गए घास से 2 से 4 इंच ऊपर पट्टी बांधे ताकि सांप का जहर पूरी बॉडी में ना फैल सके। नंबर फोर, दोस्तों सांप के काटने पर पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि घबराहट के कारण ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है और जहर भी जल्दी फैलता है। जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। नंबर फाइव, दोस्तों कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे। अगर मुमकिन हो तो काटने वाले सांप की पहचान पहले ही कर लें या उसकी तस्वीर खींच लें। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि आपको जहर वाले सांप ने काटा है या नहीं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सांप के काटने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। नंबर वन, शरीर के जिस हिस्से पर सांप ने काटा है वहाँ कोई गर्म या ठंडी चीज ना लगाएं, जैसे बर्फ और गर्म पानी। नंबर टू, दोस्तों हम लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय दूसरे चक्करों में पड़ जाते हैं और जड़ी बूटी पीने लग जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। नंबर थ्री, दोस्तों जहर बाहर निकालने के लिए मुँह से चूसने की कोशिश ना करें, इससे आपके मुँह में जहर जा सकता है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। नंबर फोर, जहाँ सांप ने काटा है वहाँ पर चीरा नहीं लगाना चाहिए। नंबर फाइव, दोस्तों जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे चलने ना दें और तुरंत अस्पताल ले जाएं। सांप काटने पर तनाव नहीं लेना चाहिए क्योंकि घबराहट में अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।